हम आए हैं नागपुर के बरड़ी, ये जो मार्केट एरिया है यहाँ पर, और हम आज जानेंगे कि क्या बोलती है नागपुर की पब्लिक लोकसभा चुनाव को लेकर, वो अपना सांसद किसे देखना चाहती है। हम जानते हैं लोगों से उनकी प्रतिक्रिया है, तो चलिए मेरे साथ बरड़ी पर हमारे साथ कुछ यूथ है, उनसे हम जानते हैं कि नागपुर के लोकसभा चुनाव है और ऐसे में मतलब लोकसभा चुनाव है नागपुर से, आपको क्या लगता है किसने चुनकर आना चाहिए? गडकरी सर, नितिन गडकरी सर। तीनों का मत एक ही है, गडकरी चुनकर आना चाहिए, क्यों भाई? उन्होंने जो किया है नागपुर के लिए, मतलब मेट्रो वगैरह सब, इसीलिए। आपको क्यों लगता है कि गडकरी आना चाहिए? रोड सर्विस उन्होंने बहुत अच्छे प्रोवाइड किए हैं। गडकरी ने रोड सर्विस की है, मतलब रोड हो गया तो सब हो गया ऐसा? हाँ, हमारे लिए तो ऐसा ही है क्योंकि हम ज़्यादा ट्रैवल करते गाड़ी से। मुझे तो ऐसा लगता है कि उन्होंने 10 साल में नहीं किया और बहुत कुछ किया है काम, वो ज़्यादा डेवलप नहीं हुआ था तभी, अभी ज़्यादा डेवलप हुआ है, टेक्नोलॉजी बढ़ गई है और इंडिया प्रगति कर रहा है। अच्छा, आपने बोला कि डेवलपमेंट, तो आपके लैंग्वेज में आपकी परिभाषा डेवलपमेंट की क्या है? क्या बताओ? परिभाषा मेरी डेवलपमेंट की वो ऐप्स डेवलपमेंट ज़्यादा हो गया, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट ज़्यादा हो गया अभी तो। क्या बताओगे, लोकसभा चुनाव है नागपुर से, कौन चुनकर आना चाहिए? नागपुर का प्रॉपर MP कटनी का हूँ मैं। अच्छा, तो भी मतलब आपको क्या लगता है नागपुर देखकर? नागपुर तो मैं अभी डॉक्टरों के यहाँ रहा, तो नागपुर वैसे जनता पार्टी का गढ़ है नागपुर मेरे हिसाब से। महिलाएं हमारे साथ हैं, उनसे हम जानते हैं कि नागपुर से आप किसको सांसद देखती हो अगला? गडकरी जी, नितिन गडकरी जी। भाई दोनों ने नितिन गडकरी का नाम लिया है, तो ऐसा क्यों लगता है? He has done a lot of work for the Nagpur transport, everything, the road construction work, we can see over here, that's why. हमने तो सरकारें बहुत सी देखे हैं और हमारे यहाँ से ये दो बार श्री माननीय खासदार हमारे कृपाल तुमाने जी दो बार चुन करके आए, लेकिन उनका ऐसा कार्यकाल रहा कि वो कभी आज तक के घूम करके गाँव और किसी क्षेत्र में वो लोग आज तक के उन्होंने अपने कदम नहीं रखे हैं। जब जब चुनाव आता है तब तब ये लोग कैसा है कि लोगों को लुभावने के लिए बड़ी बड़ी बातें हाँकते हैं, कैंप लेना, ये लेना, वो लेना, आधे बहुत से गरीबों के आज तक के कार्ड नहीं बने हैं, जो कि वृद्धाश्रम जगह जगह खोले गए हैं, आज तक के वृद्धाश्रम में जा कर के ये लोगों ने ये नहीं देखे कि वृद्धाश्रम में अगला सांसद हम ये देखना चाहेंगे कि जो कि हमारे श्री माननीय पंत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भाई जी, इनके कार्यकाल में ऐसे सांसद रहे कि जो कि उनके कार्यकाल में उनके रहते हुए और उनका जो जितना अच्छा कार्यकाल रहा। आपके आपके लोकसभा जो निर्वाचन क्षेत्र है वहाँ से रश्मि बर्वे कांग्रेस से है और राजू पारवे जो है शिंदे गुट से है, तो इनमें से दो में से आप किसे आपका सांसद चुनना पसंद करोगे? जी हमने देखिए सुने तो बहुत से हैं कि हमारे श्री माननीय राजू पारवे जी उमरेड क्षेत्र के हैं, जो कि वो भी खड़ा रहना चाहते हैं, और रश्मि और श्रीमती रश्मि जी बरवे हैं, ये तो हमारे कामठी क्षेत्र की हैं, लेकिन हालांकि हम उनसे कम परिचित हैं, उनके बारे में तो हम कह नहीं सकते कि जब दो बार जो लोकसभा सांसद चुन करके आया वो नहीं आए, तो इनके बारे में हम कैसे विश्वास कर लें, ठीक है ना? और हम पसंद तो ये करेंगे जो कि हमारे बीजेपी सरकार में रह करके और वो काम करना चाहे, लोगों के हित के बारे में सोचना चाहे और लोगों के बारे में आ करके उनकी समस्याओं का हल करे, वही हमारे लिए नेता है, वही हम खासदार चुनेंगे, भले वो बीजेपी का है और शिवसेना का है या राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का है, क्योंकि महाराष्ट्र में ये तीनों की तिकड़मबाजी। क्या बताओगे, लोकसभा के चुनाव है अंकल जी, किसे आप सांसद देखना चाहते हो नागपुर से? गडकरी साहब का तो अच्छा काम है, लेकिन वो ठाकरे जी उनके विरोध में और कांग्रेस के, तो कांग्रेस भी अच्छी पार्टी है। क्यों अच्छी लगती है, क्या किया अभी? काम किए उन्होंने। कौन से काम किए? 70 सालों में ये सब स्ट्रक्चर बनाए वो उन्होंने बनाए, ये क्या तोड़ फोड़ और बेच बांधने का काम कर रहे हैं मोदी जी, इसलिए हम बीजेपी शिवसेना को मतदान नहीं करेंगे इस बार और रामटेक से बरवे भाई को चुन के लाएंगे ऐसा। नागपुर से लोकसभा सांसद आप किसे देखना चाहते हैं? जो अच्छा काम करेगा इस क्षेत्र के लिए हम उसी को सांसद देखना चाहे, चाहे वो बीजेपी का हो या कांग्रेस का हो, लेकिन जनता के हित में जो काम करेगा हम उसी। आपने बोला कि जो जनता के हित में काम करे, तो अभी जो है विकास ठाकरे कांग्रेस से और नितिन गडकरी बीजेपी से, तो आपको क्या लगता है किसे आप वोट, मतलब आपको लगता है कि ये चुनकर आएंगे तो हमारा काम होगा? एक दृष्टिकोण से देखा जाए तो 10 साल की सरकार ने बीजेपी में बहुत सी महंगाई बढ़ा दी है, बेरोजगारी बढ़ गई है,
आज पुलवामा के जो अटैक हुआ था उस अटैक के ऊपर में आज तक ना वो पुलवामा के आरोपी नहीं मिले हैं ना उनके ऊपर कुछ किया है अभी तक के उन्होंने। कांग्रेस के मतलब कार्यकाल में कभी अटैक नहीं हुआ है, लेकिन उन्होंने पकड़े भी है ना, इन्होंने तो पकड़े भी नहीं है आज तक के कोई एक सुराग नहीं, लेकिन ईडी सीडी लगा के आज इलेक्ट्रॉल बॉन्ड के ऊपर में लोग चंदा इकट्ठा कर रहे हैं बीजेपी वाले, ये सब दिखना चाहिए ना। आज 10 साल हो गए महंगाई की मार जो कई बहुत हो गई, महंगाई की मार अब की बार मोदी सरकार ऐसा बोल के लोग सरकार लेके आए थे, आज महंगाई कहाँ कम हो गई, बेरोजगारी कहाँ कम हो गई, आज देखा जाए तो हॉकर्स परेशान है, छोटे छोटे दुकानदार परेशान है, सभी परेशान है। इनके सरकार कार्यकाल में परेशान नहीं थे, नहीं थे, मनमोहन सिंह जी ने सरकार कितनी अच्छी चलाया था, सारे वैश्विक मंदी चालू थी जब अपने भारत में मंदी नहीं थी, छोटे छोटे व्यापार कितने खुश थे, 500-1000 के नोट हर गरीब के पास में दिखाया करते थे, जो छोटे छोटे रिक्शा चलाने वाले थे उनके पास भी 1000-500 की नोट दिखा करती थी, आज तो वो सब खत्म ही हो गया है। मेरा नाम दिनेश लाखाभाई रबारी है, मैं गुजरात से बिलोंग करता हूँ, पर अभी मैं कई सालों से यहाँ पे मेरे धंधा से यहाँ पे रह रहा हूँ। यहाँ पे नागपुर में नितिन गडकरी जी का काफ़ी अच्छा प्रभुत्व रहा है, काफ़ी अच्छा विकास, हमारे परिवहन मंत्री जो है जो काफ़ी अच्छा विकास कर रहे हैं, और हम अगर यहाँ पे अगर कोई हमें पूछने देंगे कि यहाँ पे किसी को लाना है तो हम यही चुनेंगे कि प्रथम प्राथमिकता जो है वो हम नितिन गडकरी जी को देना चाहेंगे। थैंक यू। तो हमने देखा कि जो पब्लिक है क्या बोलती है नागपुर की पब्लिक, लोकसभा सांसद को लेकर हमने जाना उनकी प्रतिक्रिया है। कैमरा पर्सन अजित कुंवर के साथ मैं क्षितिजा देशमुख, BCN News नागपुर।